ओके नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता क्या है डिफाइन डिफिनीशन क्या है इसके बाद हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन लेकिन उसके पहले हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन छोटा कॉन्सेप्ट है और जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में अभी वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है एक वन क्वेश्चन फिक्स है वन मार्क्स का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है इस बार के सारे सेट में वन मार्क्स का क्वेश्चन है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम एन का एक अच्छा एग्जाम्पल्स है आपकी बुक में आप भी पढ़ सकते हो जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए जो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस को हम मैं थोड़ा सा बताता हूँ सी बी एग्जामिनेशन प्रोसेस होता कैसे है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सी बी एग्ज़ाम का प्रोसेस ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट सपोज़ अपने ही uh, किसी भी स्कूल के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन है ए इज़ द ऑल स्टूडेंट तो ए हो गया कलेक्शन अब सी बी का जब आपने फॉर्म भरा है तो बी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल रोल नंबर्स सी बी सबको एक रोल नंबर से अलॉट कर देता है ये हो गए आपके रोल नंबर्स उसी रोल नंबर्स रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा आपका सेंटर अलॉट होगा सारा कुछ होता है सिंपल होता है हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है फॉर्म भरते हो तो आपको रोल नंबर से अलॉट हो जाते हैं कोई भी चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो कोई भी एग्ज़ाम हो ईवन आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हो तो आपको एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है तो ए सारे स्टूडेंट का कलेक्शन बी इज द ऑल रोल नंबर्स मैं एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ न अब सी क्या है सी क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी कॉपियों के एक साइड में आपने एंट्रीज कर रखी हैं रोल नंबर्स की एंट्रीज होती हैं वहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं ढेर सारी इंट्रीज होती हैं जिससे हम स्टूडेंट को आप कॉपी देख के ये पता लगा सकते हो कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है एक चांस होता है तो सी बी क्या करता है यहाँ से पेज को कट कर देता है ठीक है इस साइड में एक कोड डाल देता है तो अभी तक सारे स्टूडेंट को एक रोल नंबर अलाट हुआ था अब हर रोल नंबर्स को एक कोड अलाट हुआ तो सी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कोड्स तो एक्चुअली डिफेस करने के लिए जिससे जो भी इवेलुएटर्स है उसको ये पता ना लगे कि ये किस स्टूडेंट की कॉपी है किस स्कूल की कॉपी है जिससे चांसेस नहीं होते पार्सलिटी के ठीक है तो ये सी का, का काम है अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है इस एग्जाम्पल्स में आप ध्यान से देखते रहिए तो सबसे पहले आप स्टूडेंट थे स्टूडेंट को सी ने एक रोल नंबर में कन्वर्ट किया अब ये कोड में कन्वर्ट हो गया ठीक है वो यहाँ पे फिर केजिंग वगैरह होती है वो एक अलग प्रोसेस है यहाँ पे केजिंग से आपको हर मार्क्स के हर क्वेश्चन के मार्क्स अलॉट किए जाते हैं फिर टोटलिंग की जाती है ढेर सारा प्रोसेस है तो अब यहाँ से हम कंपोजिशन ऑफ मैपिंग स्टार्ट करते हैं ए इज़ द कलेक्शन ऑफ़ ऑल स्टूडेंट सपोज इसको मैंने कैपिटल ले कर दिया एंड दिस बी इज़ द कलेक्शन ऑफ़ ऑल रोल नंबर्स एंड सी इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स ए में सपोज करो स्मॉल ए टाइप का मेम्बर है यहाँ पे दिस इज़ डोमे यहाँ पर हमने फंक्शन एफ़ ऑपरेट किया तो हम कहाँ पहुँच गए बी में तो बी में जो मेम्बर्स हैं वो कैसे हैं एफ़ ए टाइप के एफ ए बिलोंग टू बी अब सी में एक फिर से एक डिवाइस हमने बनाई वहाँ पर बी के मेम्बर्स डाले तो हमें कोड निकलने लगे कोडिंग के लिए हमने जी फंक्शन ले लिया तो यहाँ पर हमारा फंक्शन एफ़ है और यहाँ पर हमारा फंक्शन जी है ओके अब यहाँ पे जो मेंबर्स होगा यहाँ पे ए मेंबर्स था इस पर एफ ऑपरेट किया तो हमें एफ ए मिल गया अब यहाँ पे जो मेंबर होगा वहाँ पे जी ऑपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी ऑफ एफ ए यही तो होता है फंक्शंस और उसके अंदर डो डोमेन के मेंबर्स होते हैं तो जी ऑफ एफ ए मिला इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं तो मीन्स अल्टीमेटली अगर एफ और जी दोनों फंक्शन हम एक साथ ऑपरेट कर दिया हमने तो जो आपका स्टूडेंट था स्टूडेंट कन्वर्ट हो गया सीधा कोड में हमें दो ऑपरेशंस करने पड़े एफ और जी के तो दिस इज़ द टोटल प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस टू फंक्शंस का कंपोजिशन है देखना कैसे कंपोजिशन है देखते हैं यह फंक्शन डिफाइन था ए टू बी में जो स्टूडेंट को रोल नंबर में चेंज करता था जी फंक्शन डिफाइन हो गया बी टू सी में ओके देन यहाँ पे देखना फंक्शन लास्ट में क्या है जी एफ एक्स है ओके सो दैट मीन्स जी ओ एफ कहाँ डिफाइन हो गया जी ओ को बोलते हैं ऑपरेशन हो रहा है कंपोजिशन के लिए एक सिंबल है ओ एक स्मॉल सा लेटर छोटा सा ओ बना देते हैं उसको जीरो भी बोल सकते हो बट जी ओ एफ पढ़ते हैं नॉर्मली जी ओ एफ पढ़ते हैं या कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी बोलते हैं तो ये कहाँ से डिफाइन होगा चूँकि बी कॉमन होना चाहिए दोनों में ए टू सी देख हमने ये फंक्शन ऑपरेट किया एफ ओ जी तो सीधा ए से हम कोड में निकल जाएंगे एफ ऑपरेट किया तो बी पे बी पे फिर जी ऑपरेट किया तो सी पे दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी ओके सो बेसिकली अब हमें ध्यान क्या देना है इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे काफ़ी कंपोजिशन ऑफ एफ g जी नोन एज जी ओ एफ तो ये थोड़ा सा रिवर्स है इसको ध्यान रखना कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी इज़ नोन एज जी ओ एफ रिवर्स करके हम लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज़ नोन एज एफ ओ जी आप देख रहे हो ना रिवर्स हो रहा है हम कंपोजिशन अगर आप सिस्टम से स्टार्ट करो तो कंपोजिशन हम एफ से जी जा रहे हैं लेकिन फाइनली जो अल्टीमेट इवेंचुअली हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है जी एफ एक्स मतलब जी ओ एफ आ रहा है तो ये एक सिंबल है नॉर्मल सिंबल है ओ मीन्स ऑपरेशन जी और एफ का हो रहा है तो आपकी जो मशीन थी एफ और जी दोनों को कंबाइन करने पर जी ओ एफ बोलेंगे गॉफ फॉग दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो ये ध्यान रखना है अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपने देख लिया जो एफ का एफ का को डोमेन होगा और जी के लिए डोमेन का वर्क करेगा देखना एफ का कोडोमेन क्या है ये बी है और B, g के लिए क्या है डोमेन है तो ये ध्यान रखना है f का को डोमेन बी के लिए डोमेन कवर अगले दूसरे वाले फंक्शन के लिए जिसमें कंबाइन होने जा रहा है कंपोजिशन जिससे ले रहे हैं उसके लिए डोमेन कवर करेगा तो ये थोड़ी सी कंडीशन याद रखनी है कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी रिवर्स ऑर्डर में बोलेंगे जी ओ एफ फिर से ध्यान रखना कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज सेट टू बी जी ओ एफ एंड कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज़ नोन एज एफ ओ जी रिवर्स कर दो बस जो बोल रहे हो उसका रिवर्स कर दो जब कंपोजिशन की बात आएगी तो बस ये देखना कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करते हैं सपोज करो ये फंक्शन है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर्स में रिलेशन वाला नहीं है यहाँ पे रियल नंबर से ये क्या करता है फंक्शन एफ एक्स को एक्स स्क्वायर में चेंज करता है एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी फंक्शंस आता है उसको क्यूब में चेंज कर देता है ओके okay? तो अब हम देखना ये स्क्वायर में चेंज कर रहा था ये क्यूब में चेंज कर रहा है तो हमारे पास क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी फाइंड आउट करना है देखना अब क्वेश्चन में देखा है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ एफ एन जी एफ एन जी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है ये ऑर्डर ध्यान रखना तो देट मीन्स हमें बेसिकली जी ओ एफ बोल रहा है अब g ऑफ एफ एक्स निकालना है एक्चुअली जब x ऑपरेट होता है ये बीच का सिंबल वो हिडन होता है हिडन हो जाता है तो नॉर्मली हम बार बार लिखते नहीं जब तक x ऑपरेट नहीं हो रहा तब तक लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जी ओ एफ कैन बी रिटर्न एस जी ऑफ एक्स ऑपरेट कर दिया ये अभी तक मशीन थी अब इनपुट लिख दिया यहाँ पे ना तो सिंबल हट गया तो अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर थी हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया अब जी क्या करता है जो भी इनपुट होता है उसका थ्री टाइम्स कर देता है यही तो एग्जाम्पल्स लिया है देखो जी क्या कर रहा है इनपुट्स का क्यूब कर दे रहा है नॉट थ्री टाइम्स क्यूब कर दे रहा है ओके okay? तो अब इसका क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा सो दैट क्यूब दैट इज एक्स की पावर सिक्स तो ये निकल गया अब इसका वाई सी रिवर्स देखना है कि जी एंड एफ देखना है जी एंड एफ लिखा जा सकता है या फिर तुमसे पूछा जाता है एफ ओ जी निकालो कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो एफ ओ जी का क्या मतलब हो गया एफ जी ऑफ एक्स देख रहे हो ना देख लो सो दिस इज इक्वल टू एफ अब जी एक्स की वैल्यू जी एक्स क्या कर रहा था क्यूब कर दे रहा था तो यहाँ जी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और एफ ऑपरेटर क्या कर रहा था स्क्वायर कर दे रहा था तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया दैट इज एक्स की पावर सिक्स तो यहां पे बाई चांस वैल्यूज इक्वल आ रही हैं ओके नो प्रॉब्लम तो वैल्यूज इक्वल भी हो सकते हैं डिफरेंट भी होते हैं बट इन जनरल एफ ओ जी एंड जी ओ एफ आर डिफरेंट दोनों अलग अलग होते हैं अच्छा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वही कॉन्सेप्ट है जो आपने डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट पढ़ा था ए बी एंड बी ए तो यहाँ पे एफ ओ जी एंड जी ओ एफ है फॉग एंड गॉफ भी बोलते हैं इन जनरल बट वो नॉर्मली कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज में पहले एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर उसके बाद इनवर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ओके okay? ये आपके बुक में भी गिवन है देखना वही सेम मैंने जो बताया ए इज द एक सेट है इस पर एफ ऑपरेट किया तो एफ एक्स मिल गया और इस पर जी ऑपरेट किया तो जी ऑफ एफ एक्स मिल गया तो पूरे फंक्शन को बोलते हैं जी ओ एफ रिवर्स ऑर्डर में देखो जी लास्ट में है तो जी ओ एफ बोल लें क्योंकि एफ एक्स बोलते थे क्या एफ तो लास्ट में आता था मीन्स एफ इज द मशीन एफ इज द फंक्शन सिंगल एफ फंक्शन होता है एफ एक्स क्या होता है को डोमेन होता है ध्यान रखना एफ इज द फंक्शन एफ एक्स इज द को डोमेन ये चीज़ें नॉर्मल छोटी छोटी आपसे पूछी जाती है एक्स क्या है डोमेन सेट में है एफ एक्स क्या है कोडोमेन का मेम्बर है रेंज है एफ इज द फंक्शन सिंपल एफ इज द फंक्शन तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं एक बार बुक से देख लेते हैं बुक के क्वेश्चन कौन कौन से हैं कंपोजिशन ओके सो दिस इज द पी डी एफ ऑफ एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री 1.3 की ये पी हो गई अब क्वेश्चन नंबर वन आप देख रहे हो ना एफ इज द फंक्शन ओके क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं एफ फ्रॉम वन टू थ्री टू वन टू फाइव ये है डोमेन ये है तो दोनों दिए ऐसे इसका डोमेन इसका कोडोमेन गिवेन है गिवेन बाई दिस अब एफ को किस फॉर्म में लिख लिया गया है रोस्टर फॉर्म में मतलब वन की इमेज क्या है टू है मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू इसको ऐसे भी लिख सकते एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है टू है दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या है फाइव है एफ ऑफ फोर की वैल्यू क्या है वन है सो राइट द गॉफ हमें गॉफ लिखना है तो कर लेते हैं ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने देखा था तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको करते हैं सॉल्व देखो ये क्वेश्चन हो गया आपको इसको सॉल्व करना है मुझे अब आपको जी एफ निकालना है सारा जी निकालना है तो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आप देख लेना अब मैं वन, वन वन बाई वन लिख रहा हूँ ये है मेरा फंक्शन का पहले एफ फंक्शन का क्या है जी ओ एफ मीन्स एफ एन जी पहले एफ लिखना फिर जी ये फंक्शन था इसके डोमेन क्या थे वन थ्री फोर देखो ये लिखा हुआ है सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है थोड़ा ध्यान से लिख लेना इस फंक्शन में क्या है इसका कोडोमेन क्या है वन टू फाइव हो गया ठीक है अब यहाँ पे देखना ये यहाँ से देखना ध्यान से वन का किससे कनेक्शन है टू से तो मैंने यहाँ एरो डायग्राम बना दिया थ्री का फाइव से इसलिए मैंने डायग्राम आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत यूजफुल है फोर का वन से है ठीक है मैंने एरो बना दिए हैं आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एरो में ओके okay, तो नेक्स्ट हमारा ये हो गया कौन सा फंक्शन हो गया ये एफ हो गया अब एफ से हम जी में जाएंगे ये जी सेट हो गया जी में हमारे मेंबर्स जी है वन टू फाइव इसमें भी हैं और इसका जो कोडोमेन है वन थ्री है ओके okay, अब जी के लिए देखो वन का कनेक्शन किससे है वन का कनेक्शन है थ्री से टू का कनेक्शन किससे है वन का थ्री से टू भी थ्री से कनेक्शन है और फाइव का कनेक्शन वन से है तो दिस इज फंक्शन ये हमारा फंक्शन कौन सा हो गया ये है जी और इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे एफ ओ जी जी ओ एफ नॉट एफ ओ जी क्योंकि ये मिस्टेक आप करोगे इसलिए मैं बार बार आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जी ओ एफ अब आपको राइट करना है गॉफ लिखना है तो गॉफ लिख लो सीधे गॉफ में लिखने जा रहा हूँ और उसी रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ ठीक है वन का टू से टू का थ्री से देखना यहाँ से देखते शुरू करना वन का वन का टू पे आया टू थ्री पे गया तो बेसिकली वन कहाँ पे जा रहा है थ्री पे जा रहा है लास्ट में ओके okay? ऐसे थ्री फाइव पे आया फाइव कहाँ गया वन पे गया ये वन लिखा था ध्यान देना तो थ्री कहाँ पे चला गया वन पे चला गया फोर वन पे आया वन थ्री पे गया तो मतलब बेसिकली फोर थ्री हो गया ओके लास्ट फर्स्ट और लास्ट हमें देखना है सो वन थ्री फोर हो गए अब यहाँ पे देख लो जो जी था उसका कोडोमेन में केवल जी है उसके कोडोमेन में केवल दो ही मेम्बर्स हैं और यहाँ पे इसके कोडोमेन में क्या है थ्री मेम्बर्स हैं तो वन वन फंक्शन तो होना होने से रहा नहीं क्योंकि यहाँ पे थ्री का रिलेशन है वहाँ पे टू है तो रिलेट अगर फंक्शन है सारे रिलेट करेंगे तो ये वन वन तो फंक्शन होगा नहीं ऐसे भी देख सकते हो अगर किसी को डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है सॉरी डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है को डोमेन से फर्स्ट वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है सेकेंड वाले सेट से तो मोर देन वन रिलेशन तो आना है मेनी वन फंक्शन होना ही है तो ये छोटे छोटे हिंट हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो खुद से सो ये क्वेश्चन हो गया फाइनली आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एक बार और देख लो देखो वन थ्री फोर फर्स्ट सेट में था इसका रिलेशन वन का टू से सब कुछ क्वेश्चन में गई मैंने मैंने कुछ नहीं किया है आपको ऐसा लगे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ लिया थ्री का फाइव से ये देखो फोर का वन से मैंने वैसे एरो बना दिए फिर अगला सेकेंड वाले सेट से हमें कंसनट्रेट करना है जब जी आएगा तो सेकेंड सेट पर चले जाना और वन का थ्री से टू का थ्री से फाइव का वन से तो हमने फाइनली कर दिया तो फाइनली जब गॉफ निकालना है तो देख लो फर्स्ट वाले का लास्ट में कहाँ तक जा रहा है वन का फाइव से तो वन का थ्री थ्री का वन एंड फोर का थ्री अब यहाँ पे रेंज डोमेन कोई पूछे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता सकते हो डोमेन क्या हो गया फर्स्ट वाले मेंबर्स और रेंज या फिर को डोमेन क्या हो गया गॉफ का सेकेंड वाला अच्छा यहाँ पर जैसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गॉफ का रेंज और डोमेन बताइए रेंज एंड को डोमेन को डोमेन बताइए तो एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन ले लेंगे और जी फंक्शन का को डोमेन ले लेंगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे यहाँ पे अभी निकालो तो यहाँ से बोल सकते हैं तो ये क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन नंबर टू देख रहे हो ना एफ एंड जी एंड एच आर द फंक्शन शो दैट एफ प्लस जी दो फंक्शन का सम करके फिर उसका कंपोजिशन किया जाता है एक तीसरे फंक्शन एच के साथ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा हिंट मैं बता देता हूँ बहुत सिंपल है इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको ओके okay, देखना अब यहाँ पे सारे ही फंक्शन आर टू रहे हैं रियल नंबर टू रियल नंबर है तो आपने f प्लस जी का ऑपरेशन h के साथ करना है तो दैट मीन्स f प्लस जी एक फंक्शन ले लेना है सीधा ले लो एक फंक्शन ही ले लो एफ प्लस जी फ्रॉम आर टू आर क्योंकि okay, एफ़ भी आर टू आर है जी टू आर टू आर है तो एफ प्लस जी भी आर टू आर होगा हाँ अगर सारे फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन अलग अलग हैं फिर प्रॉब्लम होगी फिर वहाँ पे आपको फंक्शन को देखना पड़ेगा यहाँ तो डिफाइन भी नहीं किया गया फंक्शन को अब इसका ऑपरेशन एफ प्लस जी को लेते हो आप किसके साथ एच के साथ तो जहाँ पर जो अभी हमने एग्जाम्पल्स में बताए थे थ्री बॉक्सेज लेके ना तो ये पहला वाला एफ प्लस जी हो जाएगा और दूसरा वाला एच हो जाएगा अब यहाँ पर आप बता देना कि इसका ऑपरेशन करोगे तो एफ प्लस जी का ऐसे हो जाएगा और एफ को अलग से डिफाइन कर लेना एच को अलग से डिफाइन कर लेना एक बार ट्राई करना नहीं आने पे मुझे बोल देना तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं काफी इंटरेस्टिंग है इसको कर लेते हैं यहाँ से ये जो थर्ड वाले में सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप देखना मैक्सिमम सेट में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन तो नंबर थ्री कंप्लीट करते हैं ओके अब इस क्वेश्चन में एफ ए जी ओ एफ और एफ ओ जी दोनों निकालना है दोनों डिफिनीशन्स आपको गिवन है तो सबसे पहले आप वन बाई वन निकालना शुरू करते हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफ ओ जी निकाल लेते हैं सिंपल सा एक्स ऑपरेट करोगे तभी तो निकलेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स एफ अब जी एक्स की जो भी डिफिनीशन्स है उसको लिख लो ये क्या है मॉड एक्स माइनस टू दे देता है अब f क्या करता है f भी फंक्शन के मॉड दे देता है तो ये है एफ एक्स माइनस टू मॉड एक बार और मॉडल लगा सकते हो टू टाइम्स मॉडल लगाने का कोई मतलब है बताओ आप पहले से फंक्शन पॉजिटिव था फिर से पॉजिटिव पचास बार मॉड लगा लो मतलब तो एक ही है ना तो यहाँ पे मैंने जैसे टू टाइम्स मॉडल लगाया हुआ है आप एक बार लास्ट में लिख दोगे ख़त्म हो गया आपका आंसर तो ये हो गया आपका आंसर किसका एफ ओ जी का अब जी ओ एफ आप करोगे जी ओ एफ करोगे इस पर एक्स ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स ओके अब एफ एक्स क्या देता है मॉडल फंक्शन देता है तो यहाँ पे मॉड एक्स लिख लेते हैं, अब ये जी क्या करता है फाइव एक्स माइनस टू देता है तो फाइव एक्स के प्लेस पे मॉड एक्स माइनस टू हाँ यहाँ पर मॉडल्स लगाने का मतलब है क्योंकि उसका फाइव टाइम्स हो रहा है माइनस हो रहा है फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे प्लस माइनस हो रहा है सो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट देखते हैं ओके थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट है जो मैं काफ़ी टाइम रिपीट होता है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो आप इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ओके okay, तो यहाँ पे बी एफ ओ जी एफ एक्स क्या है एट एक्स क्यू और जी एक्स क्या है एक्स की पावर वन बाई थ्री अब आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है तो देख लो एफ ओ जी निकालना है तो इस पर एक्स ऑपरेट करोगे तो इसको फिर लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स जिस सिस्टम से जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखते हैं अब आप जी एक्स की वैल्यू पहले पुट करते हो जो भी इनसाइड स्टोरी है पहले उसको सॉल्व करते जाओ करते जाओ इनर टू आउटर यहाँ पर हम ऑपरेशन करते हैं जी एक्स क्या हो गया एक्स की पावर वन बाई थ्री हो गया अब आप देखो एफेक्स क्या करता है एट टाइम्स ऑफ x का क्यूब कर देता है तो g अब x के प्लेस पे क्या है x की पावर वन बाई थ्री है तो एट टाइम्स ऑफ x की पावर वन बाई थ्री का क्यूब अब आप देखो आंसर क्या आ जाएगा अब ये आंसर क्या हो गया है एट एक्स यही तो हो गया हो गया अब इसके बाद जी एफ एक्स निकालते जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं।, g -O -F of x निकालते हैं। तो क्या हो गया जी ऑफ एफ एक्स हो गया अब एफ एक्स क्या करता है एट एक्स क्यूब देता है एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख लो अब जी एक्स क्या करता है जो भी इनपुट आता है उसका टोटल का वन बाई थर्ड पावर हो जाती है तो एट एक्स क्यूब टोटल टू द पावर वन बाई थ्री ये ध्यान रख एट एट को क्या लिख सकते हो टू क्यूब लिख सकते हो तो बेसिकली ये क्या है टू एक्स की पावर क्यूब टू होल्ड टू द पॉवर वन बाई थ्री तो यह कैंसिल हो गएगा आपका टू एक्स तो यह कंप्लीट हो गया आपकी एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है जो कंपोजिशन पे बेस्ड है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन इस क्वेश्चन में क्या है एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स क्यूब वन बाई थर्ड देन एफ ओ एफ ऑफ एक्सेज ये सारे क्वेश्चन इस बार जो एम सी क्यू थे मैक्सिमम एन सी आर टी से ही आए थे तो ये इस बार तो कम से कम एन सी आर टी वाला तो आपको एकदम याद होना चाहिए क्वेश्चन भी आंसर भी और प्रोसेस भी कॉन्सेप्ट भी सब कुछ तो फंक्शन है अब हमें एफ ओ एफ सेम फंक्शन का कंपोजिशन सेम फंक्शन से फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन को आप देख लेते हम कैसे करेंगे ओके okay? okay. तो हमारा एफ एक्स क्या है थ्री माइनस एक्स क्यूब होल की पावर वन बाई थ्री दिस इज एफ एक्स ये हमारा एफ एक्स है ओके okay, तो हम देख लेते हैं अब हमें क्या करना है कंपोजिशन ऑफ एफ ओ एफ ई निकालना है इस पर एक्स ऑपरेट किया ये देखो ये एफ एफ एक्स होता है ना तो एफ के प्लेस पे कंपोजिशन लिख देते हैं एक्स तो लिखना ही है आपको एंड फाइनली इसको कैसे लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स तो एक्स के प्लेस पे अब एफ एक्स आ जा रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना है एफ एक्स पूरा का पूरा जो एफ एक्स गिवेन आराम से कॉपी कर लो थ्री माइनस एक्स क्यूब होल की पावर वन बाई थ्री अब यहां पे देखो एक्स था तो ये हो जा रहा था अब एफ एक्स के प्लेस पे ये आ गया तो क्या होगा बस यही है कैलकुलेशंस पूरे प्रोसेस में करनी है ध्यान से देखना एफ ऑफ इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं मैं एफ ऑफ एफ एक्स थ्री माइनस एक्स क्यूब होता है थ्री तो लिखा माइनस एक्स क्यूब था ना तो एक्स के प्लेस पे क्या है ये ध्यान देखना एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है पे एक्स पूरा पूरा के प्लेस पे है. तो इसको एक्स के प्लेस पे ही रखते हैं थ्री माइनस एक्स क्यूब होल की पावर वन बाई थ्री ओके अब ये x के प्लेस पे आया है अब इसका क्यूब होगा इसका पूरे का ध्यान से देखना इसका क्यूब होगा ओके क्यूब के बाद ये इसका क्यूब हो गया टोटल का वन थर्ड होगा सो टोटल का वन थर्ड होगा ये जितने हैं ना टोटल का वन थर्ड टोटल का वन थर्ड अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्री माइनस अब ये क्यूब यहाँ पे है यहाँ पे है इसीलिए कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कॉन्सेप्ट आपने पढ़क का एट क्लास का है थ्री माइनस 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 प्लस एक्स क्यूब ये ध्यान से देख लो ये स्टेप होल की पावर वन बाई थ्री अब थ्री से ये थ्री भी कैंसिल हो गया एक्स क्यूब और होल की पावर वन बाई थ्री ये भी आप इसका थ्री थ्री होगा पावर सबका आपस में प्रोडक्ट होता है तो दिस इज एक्स तो ये हो गया ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हो देखना फिर से एक बार देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो एफ एक्स था ये एफ ऑफ एफेक्स हुआ तो हमने ये तो अंडरस्टूड है हिडन हो जाता है तो एफ ऑफ एफेक्स अब एफ एक्स के प्लेस पे ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दी अब ये पूरी वैल्यू हमें एक्स के प्लेस पे रखनी है एक्स के प्लेस पे सो थ्री माइनस एक्स के प्लेस पर रखा थ्री माइनस एक्स क्यूब होल की पावर वन बाई थ्री और एक्स का क्यूब था तो यहाँ पर क्यूब भी लगा दिया तो बाद में ये दोनों अल्टी और टोटल की पावर वन बाई थ्री आउटसाइड में हो गया टोटल क्योंकि थ्री माइनस पूरा करना था तो ये कैंसिल हो गया ओके दिस कैंसिल अब यहाँ पे थ्री माइनस थ्री प्लस एक्स क्यूब होल की पावर वन बाई थ्री 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 कैंसिल हो गया फाइनल हमारे पास एक्स आ गया इसकी प्रैक्टिस कर लो इंपॉर्टेंट वन ओके अब कंपोजिशन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इनवर्स सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। है तो इनवर्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट में देख लेंगे